वैश्विक महामारी कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए आज थोड़ी राहत की खबर है। धनतेरस दिवाली से पहले देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि गुरुवार के मुकाबले देश में आज कोरोना के दैनिक मामले में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि देश में आज भी कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले गुरुवार को देश में कोरोना संक्रमण के 2141 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 20 लोगों की मौतें हुई थीं। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 22 की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान 2582 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 25,037 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 473 की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,38,636 हो गई है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,40,84,646 पहुंच गई है। वहीं देश में अब तक कुल 5,28,993 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.76% पहुंच गया है। वहीं सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.06% शामिल है। सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 219,50,97,574 तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,63,338 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।